चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं इस क्वेश्चन में दिया है द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल ऑफ n टर्न्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए हेल्ड विथ इट्स प्लेन पैरलर टू द फील्ड बी इज मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है जब आपके एन नंबर ऑफ टर्न जो है वो पैरलरली पुट किए गए हैं हम जानते हैं ये डायग्राम देखिए बहुत ध्यान से अगर ये एरिया ऑफ लूप है और इससे मैग्नेटिक फील्ड पैरलर जा रही हैं तो एरिया वेक्टर हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर अपवर्ड होता है या प्लेन के परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैरल जा रही हैं तो एरिया वेक्टर हमेशा ऊपर होगा और मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री हमारा फ्लक्स का फॉर्मूला होता है एन बी ए कॉस थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा इज़ द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इस डायग्राम से साफ देखने को पता चल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड वैक्टर राइट हैंड डायरेक्शन में है एंड एरिया वेक्टर अपवर डायरेक्शन में इन दोनों के बीच का एंगल बन कितना रहा है नाइन्टी डिग्री और हम जब यहाँ पे कॉस्ट नाइन्टी की वैल्यू रखेंगे तो कॉस्ट नाइन्टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी जीरो तो मैग्नेटिक फ्लक्स हमें मिलेगा ही नहीं अगर हमें मैग्नेटिक फ्लक्स चाहिए तो हमारा एरिया ऑफ लूप जो है वो ऐसे डायरेक्शन में होना चाहिए जहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसे क्रॉस करके हमेशा आर पार एक पार से दूसरे पार तक जा सके पैरलर होंगे तो कभी भी उस पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलेगी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं इफ कॉइल ऑफ फोर्टी टन एंड एरिया फोर सेंटीमीटर स्क्वायर इज सडनली रिमूव फ्रॉम अ मैग्नेटिक फील्ड इट इज़ एब्सॉर्ब दटल चार्ज ऑफ टू इंटू टू पर माइनस फोर कॉलम फ्लो इन टू इफ रजिस्टेंस ऑफ द कॉयल इज एटी ओम द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इन वेबर पर मीटर स्क्वायर इज हमें बताना है कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कितनी होगी मैग्नेटिक फ्लक्स कितना आएगा देखते हैं चार्ज होता है फाइव बाई आर चार्ज डेल्टा फाइव बाई आर कहाँ से आया तो हम जानते हैं फ्रॉडे लॉ से कि ई एम एफ होता है हमेशा डी फाइव बाई डी टी अब जब ई एम एफ हमारा डी फाइव बाई डी टी होता है तो हम यहाँ से करंट निकाल सकते हैं करंट कैसे आएगा तो ई बाई आर रजिस्टर से डिवाइड कर देंगे ये क्या हमें दे देगा क्वांटिटी डी फाइव बाई डी टी डिडेड बाई आर अब जब ये करेंट आ गई तो हमें निकालना क्या है चार्ज तो चार्ज की वैल्यू तो क्यू इज इक्वल टू आई डेल्टा टी करेंट की वैल्यू हमारे पास इतनी बड़ी है डी फाइव बाई डी टी आर एंड देन डी टी का मल्टीप्लाई इस वाले डी टी का डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा तो चार्ज की सिंपली वैल्यू कितनी तो आ जाएगी डी फाइव बाई आर तो हमें जब चार डी फाइव बाई आर गिवेन है तो हम टोटल फ्लक्स की वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हैं एन बी ए और जब टोटल फ्लक्स की वैल्यू हमने लिख दी तो हमें ये मैग्नेटिक फील्ड ही तो निकालनी है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का मतलब इन वेबर मीटर स्क्वायर निकालना है तो ये हमें क्या निकालने को डायरेक्टली कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड तो मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन हो जाएगा इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेंगे डेल्टा क्यू ये हमारा चार्ज है चार्ज रजिस्टेंस नंबर ऑफ टर्न्स एंड एरिया इन सबकी वैल्यू यहाँ पे गिवन है और इन सबकी वैल्यू को हम गिवन करके सॉल्व करेंगे तो हमें हमें आंसर मिल जाएगा वन वेबर मीटर स्क्वायर